एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एशिया कप 2018 में इंडिया का पहला मैच जो होगा हांगकांग के अगेंस्ट 18 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ये मैच स्टार्ट होगा 5 बजे शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। इंडिया अगले दिन ही 19 सितंबर को पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना दूसरा ग्रुप ए का गेम खेलेगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा, जो स्पेशली प्लेयर्स अभी इंग्लैंड दौरे से वापस आए हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देंगे और उनकी जगह जो इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है उनको इस मैच में टेस्ट आउट कर सकते हैं हांगकांग के अगेंस्ट। हांगकांग के लिए इंडिया का मैच उनका सेकंड ग्रुप ए का गेम होगा। 16 सितंबर को वो ग्रुप ए का कैंपेन शुरू करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हांगकांग के लिए एशिया कप 2018 उनका तीसरा एशिया कप होगा। इनफैक्ट 2008 में वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ ही थे एक ग्रुप में, जब पाकिस्तान ने उन्हें 155 रन से हराया था और इंडिया ने 256 रन से हराया था। इस साल वो एशिया कप क्वालिफायर जीत के एशिया कप 2018 में एंट्री किए हैं। वहां पे उन्होंने हर टीम को हराया एंड यूएई को फाइनल में हरा के इस टूर्नामेंट में अपनी जगह परमानेंट कर ली। इंडिया ये टूर्नामेंट एंटर कर रहा है एज द डिफेंडिंग चैंपियन, एंड आई एम श्योर एज द डिफेंडिंग चैंपियन वो किसी भी ओपोनेंट को लाइटली नहीं लेंगे। लेकिन 18 सितंबर को हांगकांग के मैच को शायद एक छोटा सा वार्म अप गेम मान के चले बिफोर द बिग क्लैश अगेंस्ट पाकिस्तान द नेक्स्ट डे। इंडिया अभी ही इंग्लैंड के टूर से वापस आया है जहां पे वो टेस्ट सीरीज 4-1 हारे थे एंड उससे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है पूरे कंट्री में, एंड होपफुली बाय विनिंग दिस टूर्नामेंट दे कैन गिव बैक द हैप्पीनेस टू द मिलियंस ऑफ इंडियन क्रिकेट फैंस। उनका रीसेंट फॉर्म ओडीआई में फैंटास्टिक है, वो लास्ट 10 मैचेस में सिर्फ 3 मैच हारे हैं और 7 मैचेस जीते हैं। वहीं हांगकांग के लास्ट 10 ओडीआई मैचेस में वो 5 हारे हैं एंड 5 जीते हैं। हांगकांग को अगर इसमें इंडिया के बैटिंग लाइनअप में कोई डेंट भी मारना है तो उसके लिए उन्हें अपने बॉलर्स टॉप फॉर्म में चाहिए, एंड अच्छी बात यह है कि उनके पास एक अच्छा मिक्स है विद स्पिनर्स एंड सीमर्स। जैसे उनके पास इजाज खान है, तनवीर अफजल है, एहसान नवाज है, इन सब बॉलर्स ने अभी एशिया कप क्वालिफायर्स में और आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो मार्च में होते हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग में उनके लिए मेन रहेंगे उनके बैट्समैन अंशुमन रथ, जिन्होंने इस साल अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज दोनों के साथ हाफ सेंचुरीज मारी थी मार्च में, जो आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला था हांगकांग ने, एंड अगेन वो इस टूर्नामेंट में मेन प्लेयर रहेंगे हांगकांग के लिए। इंडिया के लिए मेन बैट्समैन रहेंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो इंग्लैंड टेस्ट टूर में ड्रॉप हो गए थे, टेस्ट सीरीज के लिए ड्रॉप हो गए थे, वो इस बार कप्तानी करेंगे इस टूर्नामेंट में इंडिया की। एंड हम सब जानते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड अगर वो सेट हो जाते हैं। उनके अलावा एमएस धोनी की भी एंट्री होगी टीम में, जो ओडीआईज और टी20s ही खेलते हैं, वो काफी की प्लेयर रहेंगे। उनका एक्सपीरियंस काउंट शायद हांगकांग के अगेंस्ट कम हो लेकिन पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा एक्सपीरियंस उनका यूज होने वाला है। उसके अलावा 2-3 प्लेयर्स जो और नए आए हैं वो हैं अंबती राइडू, दिनेश कार्तिक और मनीष पांडे। ये तीनों प्लेयर्स ने इस साल काफी अच्छा फॉर्म दिखाया है एंड होपफुली ये फॉर्म वो इस टूर्नामेंट में भी शो कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स द टू स्पिनर्स कुलदीप यादव एंड युजवेंद्र चहल आर बैक इन द टीम। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, जो इंग्लैंड में ओडीआई और टी20 के बाद इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने इंडियन टीम में अपनी वापसी कर ली है एंड अगेन वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप को लीड करेंगे इस टूर्नामेंट में। अब हम बात करेंगे इंडिया और हांगकांग के प्लेइंग 11 की। फॉर इंडिया देयर कुड बी अ कपल ऑफ चेंजेस, स्पेशली हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह जो अभी अभी इंडिया पहुंचे हैं और कुछ ही घंटों बाद वो अब एशिया कप के लिए यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। इन दोनों को इस मैच में रेस्ट दिया जा सकता है और इनकी जगह जो प्लेयर्स आ सकते हैं वो हैं दिनेश कार्तिक और 20 वर्षीय खलील अहमद। बैटिंग सिंपल रहेगी, रोहित शर्मा शिखर धवन टॉप ऑर्डर में, उसके बाद मनीष पांडे आ सकते हैं और नंबर 4 पे आए होप धोनी आए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस टूर्नामेंट में काफी काउंट करने वाला है। बॉलिंग लाइनअप को लीड करेंगे भुवनेश्वर कुमार अलोंग विद द टू स्पिनर्स चहल एंड कुलदीप यादव। अब हम बात करेंगे हांगकांग के प्रेडिक्टेड 11 के लिए। इसमें प्लेयर्स जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन उनके कप्तान अंशुमन रथ इस साल बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं एंड वो बैटिंग लाइनअप को लीड करेंगे। उनके अलावा दो जो बैट्समैन रन मार सकते हैं हांगकांग के लिए वो हैं नजाकत खान एंड बाबर हयात। ये दोनों बैट्समैन ने भी अच्छा फॉर्म दिखाया है स्पेशली एशिया कप क्वालिफायर्स में, एंड इस टूर्नामेंट में अगर हांगकांग को पाकिस्तान या इंडिया के अगेंस्ट अच्छा टोटल पोस्ट करना है तो इन तीनों में से एक बैट्समैन को तो एक बड़ा स्कोर बनाना ही पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी इस मैच में वो है हांगकांग का बॉलिंग लाइनअप। उसमें है एहसान खान, इजाज खान एंड तनवीर अफजल। इन तीनों बॉलर्स ने भर भर के विकेट्स लिए हैं इस साल एंड
अगर हांगकांग को एक मैच में थोड़ी सी भी होप रखनी है तो इन तीनों बॉलर्स को इंडियन बैटिंग लाइनअप को जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इंडियन बैटिंग लाइनअप ने 50 ओवर खेल गए तो डेफिनेटली इंडिया फेवरेट रहेगा इस मैच में, जीतने के लिए तो रहेगा ही लेकिन एक बड़े मार्जिन से भी जीत सकता है उसके। इंडिया वर्सेस हांगकांग प्रेडिक्टेड 11 देखने के बाद अब बारी आती है रूटर फैंटेसी 4 के लिए। याद रखिए इस टूर्नामेंट के दौरान रूटर पे लाइव फैंटेसी क्रिकेट गेम खेलना ना भूले। रूटर ऐप डाउनलोड करने के लिए उसका फ्री लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल के ऐप स्टोर से और गूगल के प्ले स्टोर से। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो आपको सेलेक्ट करने चाहिए रोहित शर्मा, MS धोनी, मनीष पांडे एंड अंबती रायडू। लेकिन अगर इंडिया टॉस जीत के या टॉस हार के पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप पिक कर सकते हैं भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, चहल एंड खलील अहमद को। आफ्टर नोइंग द फैक्ट्स अबाउट दिस गेम एंड सीइंग द प्रेडिक्टेड 11, ये बात क्लियर है कि दोनों टीमों में के कैलिबर में काफी डिफरेंस है। हांगकांग अभी भी काफी इनएक्सपीरियंस टीम है, इंडियन टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। इस मैच में काफी डिफिकल्टी आने वाली है हांगकांग के लिए अगर उन्हें इंडियन बैटिंग लाइनअप या बॉलिंग लाइनअप को टैकल करना है, लेकिन होपफुली ये एक्सपीरियंस उनको फ्यूचर में जाके काफी मदद करने वाला है। फॉर इंडिया इट विल बी ओनली अबाउट वार्मिंग अप फॉर दैट बिग क्लैश अगेंस्ट पाकिस्तान द नेक्स्ट डे। याद रखें नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना खुद का प्रेडिक्शन दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होने वाला है।